नन्हे, तुमने खाना खाया? नहीं, क्यों? कोई हमें जली रोटी खाने को देता ही नहीं है। अच्छा, हमारा मजाक उड़ा रहे हो? अभी पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। अभी हम आपकी क्लास लेती हूँ। अरे, ये तो बड़ी अच्छी किताब है, दुनिया के सारे झंडे हैं। अब हमें ये बताओ कि हमारे देश का झंडा कौन सा है। बताओ बताओ। इसमें तो नहीं है। ये वाला ये तो बॉर्डर के पार पड़ोसी देश का झंडा है। बेटे जरा ठीक से देख, ये हमारा झंडा नहीं है। क्यों? आजादी के दिन तो हम लोग यही झंडा फहरा रहे थे ना। हाँ, तो कौन से लोग फहराते हैं झंडा? वो लोग। कौन लोग? वो लोग जो उधर से आते हैं। वही ना, जो 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 लोग लकड़ियां लेके आते हैं। बहुत हो गया, अब तू जा खेल। जी दादू। बच्चा है ना, भूल जाता है कौन सा झंडा किस देश का है। वैसे उसका दिमाग तो बड़ा तेज है। मैं अभी आता हूं। गलती बच्चे ने की और नर्वस दादाजी हो गए। इतने नर्वस के आंखें मिलाए बगैर ही चले गए। फिर भी मुझे नहीं लगता ये लोग बुरे हैं। ये लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन डरे हुए जरूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती इनसे ये काम करा रहे हैं। वो लोग कौन हैं, कैसा काम करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, ये सब हमें पता लगाना है। पता, खाना कैसा लगा? भाई, हमारे गांव का खाना तो बड़ा ही सादा होता है। पता नहीं पसंद आया कि नहीं। नहीं नहीं बहुत अच्छा था। अच्छा लाजवंती, मेहमानों को जरा गांव घुमा लो। और हाँ, इधर उधर मत जाना। हूँ, जाओ पितर, गांव घूमिए। हाँ, चलो चलो, मैं आता हूँ। तुम लोग को वो बुलेट कहाँ मिली? गांव के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर। वहां बुलेट भी थी और गन्स भी। वो बुलेट किस गन की थी, पता चला कुछ? वो M40 स्नाइपर राइफल की बुलेट है। That's military issue. Defense forces के लिए होती है। आम आदमी खरीद नहीं सकता उसे। वो टेररिस्ट का फेवरेट वेपन है। इसका मतलब ऐसी बहुत सारी गन्स इस गांव में आ चुकी हैं और उन लोगों ने उन गन्स को छुपा दिया। जो समीरा ने देखा वो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। अगर वेपन्स इस गांव में छुपे हैं तो मैं ढूंढ निकालूं। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पूरा गांव इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है। इसलिए तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं कौन दोस्त कौन दुश्मन। एग्जैक्टली, कौन इस पार का कौन उस पार का। अब ये तो हमें सरपंच जी ही बताएंगे। आइए ना सरपंच जी। क्या बताना है हमें? जी करण जी बाजार का रास्ता पूछ रहे थे। अब वो हमें तो पता है नहीं, आप ही बता दीजिए। अरे बाजार तो यहाँ से मीलों दूर है। यहाँ तो जो कुछ है हम ही हम हैं बस। आहा, ठंड में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। कितना खुशगवार मौसम है ना जी। ठंड थोड़ी और कम होती तो और मजा आ जाता। नहीं मनीषा, जितना ज्यादा ठंड होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। हाँ भाई, आज के बाद महफिल यहीं जमेगी। अब लकड़ी कम पड़ गई तो वहीं से ले आना जहाँ से लेके आए थे। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं पुत्र, उन लोगों से लकड़ियां मत मंगवाना। क्यों जी? वो इसलिए कि उन लोगों का क्या पता, आज यहाँ कल वहाँ, अब तक तो चले भी गए होंगे। तुम लोगों को लकड़ियां चाहिए ना तो हमें बताना, हम तुमको लकड़ियां ला देंगे। लेकिन वो जो लोग हैं वो दिन में गायब कहाँ हो जाते हैं, सिर्फ रात को आते हैं। अब कहाँ जाते हैं, रात में जंगल में कैसे पता पड़ता कौन कहाँ जाता है। बहुत देर हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। आप लोग भी चलकर आराम कीजिए। हाँ,
पता नहीं ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। ये बात ही कुछ ऐसी है कि उनसे पूछ भी नहीं सकते। एनीवेज सोते सोगे तो तुम्हारे खराटों की आवाज से मुझे सारी रात जागना पड़ता है। एक मिनट, मैं खराटे मारता हूं। मैं खराटे कभी नहीं मारता। Hawks to base. क्या करें? कौन है? आई थिंक वीर सर हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं घर के पीछे जाकर उन्हें फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ओके समीरा? या आई शो तुम अकेले मैनेज कर लोगे? या लेफ्टिनेंट समीरा सिंह रिपोर्टिंग सर। तुम लोगों को खबरदार करना है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है कि वर्ल्ड ब्लैक मार्केट में आर्म्स की एक बहुत बड़ी डील हुई है। जो आर्म्स हमारे डिफेंस फोर्सेस के भी पास नहीं है, वो आर्म्स टेररिस्ट के पास पहुंच गई है। रिपोर्ट सही है सर, हमें भी कुछ ऐसी ही क्लूज मिली है। इनफैक्ट हमने कुछ मूवमेंट्स भी पकड़ी है। डिटेल्स अभी तक मिल नहीं पाई, लेकिन आपको जल्द ही मिल जाएंगी। सर इस गाँव में टेररिस्ट हैं, लेकिन गाँव वाले इन्वॉल्व्ड हैं या नहीं बस वो पता करना बाकी है। देखो जो करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। इससे पहले कि वो अपने मिशन को अंजाम देने में कामयाब हो जाएं, तुम्हें उन लोगों तक पहुंचना होगा। रिमेंबर दैट। हम हॉक्स ना तो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, ना ही हमारे देश को। गुड नाइट।